गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमेजिंग इंडिया में। तो आज मैं दो बीचेस पे जा रहा हूँ, वर्का और केवलोक्सिम बीच। दो बीचेस हैं और दोनों लेस पीपल विजिट दीज प्लेसेस एंड दे आर बोथ लेस फ्रिक्वेंटेड बीचेस। तो हम लोग चल के देखते हैं क्या कुछ मिलता है वहाँ पे, और यहाँ से करीब मुझे थोड़ा सा वॉक भी करना है, तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, वर्का मैं पहुंच चुका हूं, थोड़ा सा मुझे वॉक करना पड़ा। और सबसे पहले मुझे चर्च दिखा इस गांव में, सुंदर सा वाइट चर्च। और सभी जगह इसी तरह के चर्चेज हैं गोवा में कई स्थानों पे, तो हम आगे भी देखेंगे। और मुझे गांव बताया गया था, लेकिन अच्छा खासा डेवलप्ड प्लेस है, कमर्शलाइज तो हो ही चुका है पूरा चर्च का प्रमाइसिस। और चलिए चलते हैं बीच की तरफ। तो दोस्तों, ये है वर्का बीच और मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। थोड़ा सा वॉक तो जरूर करना पड़ा, लेकिन वर्का बीच यही है और ये भी काफ़ी सुंदर सा बीच। और थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, वाह कुछ एटमेंट भी यहाँ पे। और ये बीच तो दोस्तों ये है वर्का बीच, और यकीन मानिए मुझे ज़्यादा बेहतर बीच लगा। अब यहाँ कम लोग आते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन काफ़ी सुंदर बीच है ये। और मेरे बैक साइड में एक्चुअली तेलुगु फिल्म की शूटिंग चल रही है, और वो लोग सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने वाले हैं, कर रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी पर्सन मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पोलाइटली कहा कि आप यहाँ वीडियो मत लीजिए, तो उनका वीडियो मैंने अवॉइड किया है। और मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ इस बीच पे, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ शूटिंग चल रही है कोई तेलुगु फिल्म की, और इस वजह से काफ़ी सारी गाड़ियाँ, सारी शूटिंग्स करने वालों का। तो फ्रेंड्स, ये था वर्का बीच, और तेलुगु फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो सिक्योरिटी को काफ़ी ऑब्जेक्शन था कि आप क्यों यहाँ विजुअल्स निकाल रहे हैं। लेकिन आफ्टरऑल ये पब्लिक प्लेस है, थोड़े से विजुअल्स मैंने ओशन के निकाले। उनकी शूटिंग के विजुअल्स लेने से मुझे कोई मतलब भी नहीं था, और काफ़ी अच्छे विजुअल्स मुझे मिले।
और मैं आगे चल रहा हूँ। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का वॉक करके, और चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, यह है केवलोसिम बीच का रास्ता। एकदम सुनसान है, लोग घरों में हैं, और मैं जा रहा हूँ बीच की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोरोना पीरियड चल रहा है, कम बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ सुंदर नज़ारों के बीच। चलिए देखते हैं आगे। वाकई ये केवलोसिम बीच काफ़ी दूर तो है, और मुझे भी लग रहा है मैं कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आप देखिए, दूर दूर तक पूरा सुनसान इलाका है, केवल जंगल हैं, पेड़ हैं। और चलिए फिर भी चलते हैं बीच की तरफ। ये रास्ता है बीच की तरफ, एकदम कच्चा रास्ता, सुनसान रास्ता, और बीच की हालांकि आवाज़ तो आ रही है, लेकिन नज़र इस समय कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये रास्ता है बीच की तरफ जाने का, और काफ़ी एडवेंचरस हो गया पूरा मामला जो है। वाकई मतलब अगर मैं कहूँ कि किलोमीटर्स तक कोई नहीं है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये सुनसान सा रास्ता, इसको पार करके मुझे पहुंचना होगा, और अब मैं जा रहा हूँ बीच की तरफ। और रेत दिख रही है मुझे, चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली बीच एक्सप्लोर कर लिया है, और सामने बीच, एकदम सुनसान सा बीच आप देख सकते हैं, एकदम सुनसान। तो दोस्तों, ये है वो बीच, और आप देखिए कि मीलों तक कोई नहीं है, और काफ़ी एडवेंचरस था यहाँ तक आना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ तक आने में। और बड़ी देर बाद एक गाड़ी तो मुझे दिखाई दी है, यहाँ से पास हो रही है, और वाकई बहुत ही कम लोग आते हैं, बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लोर किया, आप भी इसका आनंद लें। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं वापसी का सफ़र, और हाल ही में मुझे एक
कुत्ता घुमाने के लिए एक सज्जन यहाँ बीच पर दिखे। यहाँ पास में केवल दो बंगले हैं, उनके अलावा कोई बस्ती यहाँ नहीं है। और चलिए देखिए वापसी का सफर भी कितना एक्साइटिंग रहता है। ये छोटी सी गली इसमें से हो कि मुझे वापस जाना है। वापसी का रास्ता अब मैं तय कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है वापसी का रास्ता और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ केवल दो बंगले हैं पास में, उसके अलावा दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, कोई बस्ती नहीं। हालांकि पैदल बहुत चलना पड़ा लेकिन काफी अमेजिंग ट्रिप रहा है। दूध सागर फॉल से भी ज्यादा मिस्टीरियस और अमेजिंग। छोटा सा ये रास्ता यहां से होता होगा मुझे वापस, इसको पार करना है तो मैं जंप करता हूं। ये बाहर का रास्ता और के लिए दो बंगले यहाँ पे हैं, इसके अलावा दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। बंगला नंबर एक और ये बंगला नंबर दो। चलिए मुझे वापस लौटना है तो वापसी। गोवा में एक चीज अच्छी कि आपको कानून का यहाँ राज है, आप अकेले भी किसी भी जगह निकल जाए, भले कितनी भी सुनसान हो, आपको किसी भी अपराध के घटित होने का खतरा न्यूनतम रहता है। हो सकता है होते हो, लेकिन अब मैं भी ऐसी कई जगह गया और मुझे इस तरह के कोई भी संकेत नहीं मिले। तो दोस्तों इस सफर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और ये मेरा वापसी की तरफ जाने का रास्ता है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।